साथ एक और मोलोटॉव अंदर के साइड पे दागा गया सर्वेद। एचपी कम है, अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। टीडब्ल्यूओ भी जो खिलाड़ी उनका डाउन है, बड़े आसानी से उन्हें रिवाइव कर दिया गया। ग्रेविटी आईजीएल एक और ग्रेनेड के साथ सर्वेद, वो बस होल्ड कर बैठे हैं। उनको भी पता है कि सामने वाले खिलाड़ी को कंपाउंड के अंदर आने की जरूरत पड़ेगी। स्मोक्स अच्छे तरीके से बिछा दिए गए, पर प्रिंस उनकी पोजीशनिंग अभी तक पता नहीं, पर इमॉर्टल वो ग्रेनेड सर्वेद का, इमॉर्टल उनके सामने से वो ग्रेनेड निकला, पर उस ग्रेनेड को वो देख नहीं पाए। और अब टीडब्ल्यूओ भी कुछ और फिनिशेस तो यहाँ से वो निकाल सकते हैं। देखिए रेकनिंग ने भी एक प्लेयर को पीछे रखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्लेयर उनको बचा पाए। बट इमॉर्टल स्लोली स्टेडली पहुंच चुके हैं ग्रेविटी आईजीएल के पास, बट उनकी मुश्किलें बड़ी। लेजेंड का वहां पे जो एंगल था वो काफी कमाल था। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स अब ये एक एक करके प्लेयर्स गवा रहे हैं, और पीछे वाले प्लेयर्स इतने पास थे ही नहीं कि वो यहाँ पे कवर दे पाए। उन्होंने शुरुआती दौर में ही गलती कर दी, वो जो रश था, वो जब उन्होंने सोचा कि नहीं हम चल कर जाएंगे ताकि सामने वाले को आवाज ना आए, उस चक्कर में सामने वाली जो टीम थी टीडब्ल्यूओ भी, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बचा भी लिया, रिवाइव हो गए और जो हीलिंग्स थी वो भी लगा दिए गए। और टीम रेकनिंग जिनके पास एडवांटेज बहुत बड़ा था, वो अपने दो खिलाड़ी गवा बैठे। पर सर्वेद जितनी उस खिलाड़ी की तारीफ करी जाए उतनी कम होगी, कहां उनके पास ग्रेनेड्स थे नहीं। सामने वाली टीम को एलिमिनेट करके वो ग्रेनेड्स इकट्ठा करे गए और सटीक निशाना उस ग्रेनेड के साथ। जी हाँ, पर टीडब्ल्यूओ भी अब वो आक्रमण करना चाहते हैं, यहाँ पे ओपन में से आने की कोशिश है। एक एक्चुअली वो प्लेयर है, उस प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया गया, लेजेंड डाउन, साइराइक डाउन से हुए हैं डाउन। ये गलती साबित हो रही है टीडब्ल्यूओ भी की तरफ से। बट हंटर्स शॉटगन ना दीजिए इनको, शॉटगन से तबाही मचाते हैं। एक और प्लेयर डाउन, वाइपर का कवर। टीडब्ल्यूओ भी एक एक करके तीन प्लेयर्स नॉक, एक एक करके तीन प्लेयर्स खत्म हो सकते हैं। बट प्रिंस ओजी is now the last man standing. देखिए ये तो बात तय रही कि फाइट वही जीतेगा जो गलतियां कम करेगा, क्योंकि यहां तो गलतियां दोनों ने ही करी है। और TWO भी जिनके पास चार खिलाड़ी थे, एडवांटेज इतना ज्यादा था, उन्होंने अपने तीन खिलाड़ी ऐसे ही दे दिए। और टीम रेकनिंग जिनके बारे में हमने बात करी है कि वो फिनिश ओरिएंटेड ज्यादा खेलते हैं, पहला मैच वहां पर भी 8 फिनिश निकाला था, इस मैच में 5 ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं, और अब प्रिंस अकेले बचे हैं। और कहीं टीडब्ल्यूओबी वाली गलती रेकनिंग ना करे, ये दोनों खिलाड़ी ऐसा ना हो कि प्रिंस के ऊपर वो स्लैम कर दें, और ऐसा ना हो कि एक एक करके जाए। कम से कम दोनों साथ में अगर जाते हैं तब भी मौका बनेगा, बट इन्होंने निर्णय लिया कि जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। टीडब्ल्यूओबी के प्रिंस, उनके पास भी एक मौका रहेगा, हालांकि अभी भी गाड़ी घुमाई जा रही है, अभी भी सताया जा रहा है। ये रेकनिंग है, हम सब जानते हैं अटैक करना बहुत पसंद है इनको। वाइपर तो नहीं निकल रहे, ये तय बात हो गई, वो वापस से घूम के इन्हीं के पास आएंगे। और जैसे मैं कह भी रहा था, चलिए सर्कल का जो शिफ्ट आया है वो अभी भी पोडवोस्ट्रो के आसपास, आसानी से अगर रेकनिंग निकलना चाहे वो भी पहुंच सकते हैं, टीडब्ल्यूओ भी वो निकलना चाहे तो वो भी पहुंच सकते हैं। पर टीम लिमरा देखिए, वो वोल्नोवा गए थे, जितनी लूट मिल सकती थी वो सारी उन्होंने इकट्ठा करी है। न्यूमन के बहुत ज़्यादा करीब से निकलते हुए, हो सकता है कि डाइनो पार्क से वो निकलते हुए नजर आए। बूस्टर्स की वैसे खिलाड़ियों को वन एक्स फोर है वो शॉट देने की कोशिश, टीम लिमरा के प्लेयर को स्पॉट किया, डैमेज थोड़ा बहुत दिया, बट 8 बेट मेजी 8 बेट का एक और खराब मुकाबला आया यहाँ पे, ज्यादा ना फ्रैग्स मिले और ना पोजीशन के पॉइंट्स। देखिए मुझे लगता है तारीफें हम लोगों ने थोड़ी सी ज्यादा कर दी कि पहला मैच है तो चिकन निकालेंगे, वहां खराब खेला हमने कहा नहीं नहीं दूसरा जो मेरा मार का मैच है शायद वहां वापसी आएगा। सैनॉक में तो उनको ड्रॉप लोकेशन की पता ही थी और उनको पता था कि वहाँ पे ड्रॉप क्लैश होने वाला, उसके बावजूद वो फाइट लेने के लिए गए। यहाँ भी उनको पता था कि गोरोका में वो ड्रॉप क्लैश होगा ही होगा और उस चीज़ का उनको नुकसान भुगतना पड़ा। इस मैच में भी कुछ खास वो कमाल नहीं कर पाए, नो डाउट वो दो फिनिशेज उनको मिलेंगे पर उससे काम तो नहीं चलने वाला, कोशिश और करनी पड़ेगी यहाँ पे इन सभी प्लेयर्स को। मीनवाइल फीनिक्स को अगर यहाँ पे नजर डालें, काफ़ी अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है, हालांकि इस मैच के अंदर एक प्लेयर को गवा दिया, तीन प्लेयर्स के साथ जोन का एडवांटेज है उनके पास। अब निर्भर करता है कि अगला जोन कहाँ बनेगा, अगर इनसे दूर गया फिर रोटेशन करना आसान नहीं होगा इस टीम के लिए। और एक और बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे हमने इन्फर्नो स्क्वाड के बारे में बात करी कि बैक टू बैक दो बढ़िया मुकाबले खेले और वो टीम बहुत ऊपर गई, अब इस पर्टिकुलर मैच में अगर ब्लिस की स्क्वाड ने सच में चिकन डिनर निकाला, क्योंकि अभी के जोन को देखते हुए सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास है और चांसेस 100% है कि अगला सर्कल भी उनके खाते में ही जाएगा। इन्फर्नो स्क्वाड के बारे में मैं बात कर रहा था, आईजीएल उन्होंने प्रिंस को समाप्त किया, टीडब्ल्यूओ भी उनका एलिमिनेशन, और इन्फर्नो को एक फिनिश मिला क्योंकि ये खिलाड़ी वो पहले भी अपना गवा चुके थे। पर जैसे मैं कह भी रहा था कि
ब्लेस, उनके पास पूरा मौका है कि ओवरऑल स्टैंडिंग में अपनी टीम को थोड़ा ऊपर लेकर जाएं। जी हाँ, बट जैसे मैं बात कर ही रहा था कि जोन का शिफ्ट आएगा और दूर चला गया अगर फीनिक्स और ब्लेस से तो प्रॉब्लम होगी, और हुआ है। यहाँ पे अब VXT के पास पूरा मौका है मेजी, उनके पास जोन का सेंटर है, बट एक छोटी सी गाड़ी के अंदर तीन प्लेयर्स जा रहे हैं, सेंटर के पास जा रहे हैं, ये खतरा था। बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हुई है इन्फर्नो स्क्वाड से, बैक टू बैक दो प्लेयर्स गवाए, अब कॉटन बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। तीन मैचेस आपने बहुत शानदार खेले और यहाँ पर भी कंपाउंड की तलाश में वो खिलाड़ी निकले थे, पर वो कंपाउंड उन्हें मिल नहीं पाया। रेडन, वो बचे हुए आखिरी खिलाड़ी कॉटन, उनको एलिमिनेट किया गया। इन्फर्नो स्क्वाड 42 अंकों के साथ थे इस मैच में, वो एक फिनिश लेकर गए, पर न्यूमन वर्सेस टीम एक्सपर्ट, उनके बीच की फाइट है। माफिया, वो रीलोड पर आया उनका डीबीएल, पर स्टिल उन्होंने जोकर को डाउन किया, स्विच किया गया वो वेपन, और उसका फायदा भी उनको मिलेगा। पर न्यूमन अभी भी रिवाइव करना बाकी रहेगा एश को। जी हाँ, बट सारंग भी वहां पे नॉक पड़े हैं, शैडो भी वहां पे नॉक हो चुके हैं। स्प्रे गॉड, आखिर कितनी बार बचाना पड़ेगा इस प्लेयर को अपनी टीम को। लास्ट मैन स्टैंडिंग, रिवाइवल का मौका, सारंग को रिवाइव वो दे रहे हैं, जोकर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बट न्यूमन एक्स फॉरएवर। एश को रिवाइवल मिल चुका है, चारों प्लेयर्स वापस अपने पैरों के ऊपर, नेड्स कर रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मुश्किलें बढ़ रही हैं, और इसी के साथ टीम एक्सपर्ट एक और निराशाजनक मुकाबला उनके लिए। पर इन सब के बीच में टीम लिम्रा वर्सेस हीरो एक्स टीम गॉडलाइक, उनकी फाइट हो चुकी है, पर मोक्ष, उन्होंने अपने ही खिलाड़ी पे मोलोटोव डाल दिया, टर्न में वो एलिमिनेट कर दिए गए। पर हीरो एक्स टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम लिम्रा, जैसे हमने पहले भी बात करी कि एक खिलाड़ी होता है हील बैटल के लिए, वो बचे रहेंगे, बाकी तीन खिलाड़ी समाप्त हुए। टीम फिनिक्स, उनके भी दो खिलाड़ी डाउन है, हानि उनका भी एलिमिनेशन होगा। स्नो जॉर्ड, जब तक वो स्मोक करेंगे मुझे लगता नहीं कि शयान, उनको भी बचाया जा सकता है, पर आरू, उनका भी एलिमिनेशन इस मुकाबले से। जी हाँ, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, बट अभी भी सेंटर में आपको VXT देखने को मिलती है। समय बदलता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। जहां हम कहते थे कि मिरामार में उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मैप है, वहां पे अब विकेंडी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मैप बन चुका है। बैक टू बैक यहाँ पे सेमीफाइनल्स के अंदर भी अच्छा खेला, कहेंगे ना उनके पास फर्स्ट एड होने वाली है, और थी भी नहीं, जोन का शिकार हुए वहां पे गोकुल। उधर VXT एक नॉक उन्होंने भी निकाला, यहाँ पे ब्लस के प्लेयर जो आ रहे थे जोन के अंदर, मुश्किलें पड़ी हैं उनकी भी। लेकिन इस मैच के अंदर मेजी सिली के पास भी मौका है, चारों प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, जोन का एक शिफ्ट भी उनके पास गया है, हालांकि एंटर करना जोन में अभी भी बाकी उनके लिए। पर वो गोकुल का जो फिनिश था, वो माफिया ले गए, वो ग्रेनेड ठिकाने पर गिरा, और नौ खिलाड़ी वो फिनिश हो चुका है, यानी कि एक एक्स्ट्रा फिनिश अपनी टीम को उन्होंने दिलाया। बट सिली, जैसे आप कह भी रहते कि एडवांटेज उनके पास बहुत ज्यादा, पर रेडन छोटा सा पिक्सल दिखाई दिया था, और क्या शानदार वो स्प्रे इन्फिनिटी, उन्होंने टर्बो को एलिमिनेट किया। ब्लेस बहुत ज्यादा ओपन में, वो टीम फंसी है, एदबा हाइड्रास उनका भी एलिमिनेशन 5 फिनिशेस के साथ। जी हां, बट ब्लेस कैसे आएगी जोन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। सिली के प्लेयर्स कैसे आएंगे जोन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। VXT के पास जोन के अंदर एक लौता कंपाउंड है, और वहां से वो दूर दूर के नजारे देख सकते हैं। अब कर दिए गए, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके पास पूरा मौका था कि वो कंपाउंड के ऊपर चार्ज करे, वो आए माफिया को डाउन करा सिंप ने, उनका एलिमिनेशन हुआ, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी इस मुकाबले के अंदर। लास्ट मैच अच्छा नहीं था, बट इस मैच को बेहतर बनाना चाहते हैं, पंख भी वहां पे हुए हैं डाउन। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास मौका है, बट साथ ही वैसा मौका सिली के पास भी हो सकता था, लेकिन ये नेट जो आया रेडन का वो कमाल था। सोमराज लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बट इस नेट से बचना संभव रहेगा उनके लिए। रेडन, मौका उनके पास है, इन्फिनिटी वो भी आ रहे हैं साइडलाइन से, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को थोड़ा रीसेट होने का मौका मिला, अपने आप को प्लेयर्स ने हील किया, दो प्लेयर्स थोड़ा अटैक करना चाहेंगे, बट सारी फर्स्ट एज तो पंख के पास थी, पीछे कैसे जाएंगे अब। देखिए, चिकन डिनर अभी भी निकाला जा सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। जॉनथन, उनका एक ग्रेनेड गया सामने से, लिखा एक खिलाड़ी डाउन है, पर VXT वो दो खिलाड़ियों के साथ, जॉनथन एक और ग्रेनेड दागने को तैयार, फेंका तो गया, पर वो खिलाड़ी नीचे आ गए, उसका कुछ खास फायदा उन्हें मिलेगा नहीं। पर अक्षु, वो भी एक ग्रेनेड के साथ है, जॉनथन वो खिलाड़ी अभी भी कोशिश करता हुआ अक्षु के बहुत ज्यादा वो करीब गया, ग्रेनेड दो, ग्रेनेड और जॉनथन के खाते में। पर जैसे आपने बताया भी कि फर्स्ट एड उनके पास नहीं है, एक क्रेट को लूटा तो सही, पर एक भी फर्स्ट एड नहीं मिला। देखिए, इस समय पे फर्स्ट एड मिलना बहुत मुश्किल है, जितनी भी क्रेट्स पड़ी होंगी उनसे सारी लूट चुके होंगे, और न्यूमन की ऑलवेज को देखिए, गाड़ी में बैठ के हील बैटल कर रहे हैं, 17 फर्स्ट एड उनके पास है, बट वहां पे से लेके हाइड्रो उड़ पाएंगे किसी को। सिंप उनके सामने बैंडेजेस लगा रहे, पहले उन्होंने जॉनसन को देख लिया, सिंप ओपन मौजूद थे, डाउन कर दिया जाएंगे, इन्फिनिटी उनका एलिमिनेशन। VXT वो एलिमिनेट हुए, पर सिली उनके पास पूरा मौका है, वो आगे जा पाए, पर सिम उन्होंने इन्फर्नो को एक और खिलाड़ी बहुत, रणवीर वो भी डाउन कर दिए गए, आइटोन को भी डाउन करा गया, अक्षु एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे टीम सिली से। सब अगर वो ये चिकन डिनर दिलाते हैं स्ट्रीम गॉडलाइक को,
अब तक का सबसे बड़ा क्लच जो इस पूरे आईक्यू बीएमपीएस में हुआ होगा। सिंप सिंप कमाल है, सिंप ने क्या खेला है यहाँ पे, बैक टू बैक तीन प्लेयर्स को डाउन किया, बट क्या वो रिवाइवल के लिए जा रहे थे क्या, ये गलत स्टेप हो गया, गलत क्लिक हुआ, कंधे पे उठाया प्लेयर को, रिवाइवल शुरू किया, बट सिले अक्षु आए हैं, क्या अक्षु वो फाइनल फ्लैग देंगे, क्या अक्षु फाइनल फ्लैग लेंगे, ये बहुत बड़े सवाल, बट सेम चम छोटा है उनके पास।